हेलो एंड वेलकम टू माई चैनल मेरी छोटी सी दुनिया। सो टुडे आई एम हियर विद अ न्यू रेसिपी विच इज़ अ वेरी सिंपल एंड वेरी टेस्टी आलू की सब्ज़ी, जिसमें मैंने थोड़ा सा टमेटो भी ऐड किया है। आप बोल सकते हैं कि टमेटो आलू की सब्ज़ी, ओके, बिल्कुल ही ये साउथ इंडियन स्टाइल है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ, ग्रीन चिलीज, तीखा आप अपने अकॉर्डिंग दीजिए। उसके बाद ये है करी लीव्स, ये है ज़ीरा, मस्टर्ड सीड्स एंड दिस इज़ चना दाल, ये है हींग और ये है अनियंस और ये है टमेटोज, जो कि 5 to 6 होंगे टमेटोज, और इसको मैंने क्यूब साइज़ में कट कर लिया है। अभी मैंने यहाँ पे एक नॉनस्टिक का पैन लिया है जहाँ पे मैं 2 tablespoon मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। वहाँ पे मैं डालूँगी सबसे पहले मस्टर्ड सीड्स एंड आई हैव गिवन हियर 1 teaspoon मस्टर्ड सीड्स। तेल में डालते ही ये अच्छे से पॉपअप होने लगेंगे और लाइक 5 to 10 seconds के लिए इसको सॉटे कर ले। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ज़ीरा, जो कि है 1/2 teaspoon, इसको 5 to 10 seconds के लिए सॉटे कर ले। फिर यहाँ पे चना दाल आप डाल दें और इसको भी अच्छे से इन सारे चीज़ों के साथ सॉटे कर ले लाइक 30 seconds के लिए। अभी मैं यहाँ पे एक मुट्ठी करी लीव्स डाल रही हूँ। करी लीव्स डालने के बाद आपको अनियंस एंड ग्रीन चिलीज़ को भी डालना है, उसके साथ हींग को भी डालना है। 5 to 10 seconds के लिए करी लीव्स को सॉटे कर लें दाल के साथ। अभी मैं यहाँ पे अनियंस, ग्रीन चिलीज़ एंड हींग को डाल रही हूँ। जब तक अनियंस लाइट ब्राउनिश ना हो जाए आपको तब तक ही फ्राई करना है, ओके, ज़्यादा नहीं फ्राई करना है। अभी अनियंस अच्छे से ट्रांसल्यूसेंट हो चुके हैं। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ टमेटोज, इसी पॉइंट में आपको टमेटो भी डालना है और टमेटोज को भी अच्छे से सारे चीज़ों के साथ मिक्स कर ले। इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद लाइक 5 minutes के लिए ढक्कन लगा के रख दे ताकि टमेटोज थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाए। तो ये रहा हमारा स्टार इंग्रेडिएंट, जो कि है आलू, जिसको मैंने 2 सीटी लगा के बॉईल कर लिया है। आप साइज़ देख के पता लगा पा रहे हैं शायद से कि आलू साइज़ में कितना बड़ा है, ओके। अभी मैं हाथों से थोड़ा थोड़ा ऐसे तोड़ दूंगी ताकि कढ़ाई में जब मैं इसको डालूं तो मुझे प्रॉब्लम ना हो, तो इसको ऐसे ही तोड़ना है। उसके बाद कढ़ाई में डालना है, ओके। आप 1 सीटी लगा के भी इसको डाल सकते हैं, मेरा थोड़ा ज़्यादा बॉयल हो चुका है लेकिन इसको ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, ओके। आपको 1 सीटी लगाने से ही हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा कच्चा रहेगा ना, तो इसके साथ जब पकेगा तब ज़्यादा टेस्ट लगेगा, ओके। तो यहाँ पर मेरे टमेटोज ऑलमोस्ट 50% पक चुके हैं। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ नमक 1 teaspoon और हल्दी 1/2 teaspoon, ओके। इसको अच्छे से मिक्स कर लें, उसके बाद हम यहाँ पे आलू को भी ऐड कर देंगे। तो 2-3 minutes के लिए मैंने इसको चलाया। अभी मैं आलू को यहाँ पे डाल दूँगी। आलू को ज़्यादा टाइम नहीं रखना है क्योंकि ये ऑलरेडी पक चुके हैं। अगर आपका आलू ज़्यादा नहीं पका हुआ है तो इसको आप ज़्यादा टाइम रखिए लाइक 10 minutes के लिए। मैं यहाँ पे 5 minutes इन सारे चीज़ों के साथ मिक्स करके रख दूँगी। तो ये रहा मेरा साउथ इंडियन आलू की साउथ इंडियन आलू की सब्ज़ी अभी तक नहीं हुई है विदाउट दिस मसाला। ये है सांबर मसाला, जिसके वजह से इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। सांबर मसाला आप मार्केट से परचेस कर सकते हैं। ये ओरिजिनल सांबर मसाला है जो कि स्पेशली मेरे पापा के फ्रेंड ने चेन्नई से भेजा है और उसी से मैंने ये डिश बनाई है।
बहुत ही अच्छा बनाया है आंटी जी ने, और वो घर पे ही बनाते हैं ये मसाला, बट आप आराम से मार्केट से परचेस कर सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है सांबा मसाला। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और आप ये आलू की सब्जी, स्पेशली ये जाता है डोसा के साथ, लेकिन अगर आप डोसा बना नहीं सकते तो रोटी के साथ, दाल चावल के साथ भी बहुत अच्छा जाता है। सो टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा।